दोस्तों, ऑटोमोबाइल की दुनिया भी कम हैरान करने वाली नहीं है। कारों की डिजाइन से लेकर उनमें प्रयोग की जाने वाली तकनीकियां, सब कुछ ऐसा है कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। आज के समय में हर कोई कार खरीदने से पहले उसके डिजाइन की बात सबसे पहले करता है, लेकिन पुराने दौर में कुछ ऐसी कारों का भी निर्माण हुआ है जिनके डिजाइन को देखकर शायद आप उसे खरीदने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि इन कारों को मॉडिफाई किया गया है या फिर किसी क्रेजी कार लवर द्वारा तैयार किया गया है, बल्कि इन कारों को खुद फेरारी और डिलेक जैसी दिग्गज कार निर्माता कंपनियों ने तैयार किया है। तो आइए देखते हैं दुनिया की 5 सबसे अजीबोगरीब डिजाइन वाली कारों को। उससे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ऑनर ऑफ थॉट संदीप पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दिख रहे लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कैडिलैक साइक्लोन। अमेरिकन वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स की ब्रांड कैडिलैक ने सन 1959 में साइक्लोन नाम से इस कार को लॉन्च किया था। इस कार में हेडलाइट्स की जगह पर 2 नुकीले कोन का प्रयोग किया गया था। ये महज कोई कोन नहीं है, बल्कि ये उस समय की क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम था, जिसे आज क्रूज कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ये सिस्टम इस कार में सेफ्टी फीचर्स के तौर पर तैयार किया गया था। ये सिस्टम सामने से होने वाली किसी भी टक्कर से पहले ही सिग्नल लाइट देता था और कार में ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाता था। ऑफ इलेक्ट्रिक। ऑफ इलेक्ट्रिक ने सन 1942 में 3 पहिए वाली अंडे के आकार की इस इलेक्ट्रिक कार को पेश किया था। उस दौर में जब पेट्रोल और डीजल वाली कारों का जलवा था, तब इस इलेक्ट्रिक कार ने सबको चौंका दिया था। इसके डिजाइनर पॉल आर्जेंस कार डिजाइन करने से पहले रेलवे के इंजन डिजाइन किया करते थे। जनरल मोटर्स फायरबर्ड 1XP21। अमेरिकन वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स ने सन 1953 में इस फाइटर जेट कार को पेश किया था। जैसा कि आज के दौर में कोएनिक्सिस और पगानी जैसी कार निर्माता कंपनियां जेट इंजन का इस्तेमाल करती हैं, वैसे इस कार में वाकई में 1XP21 फाइटर जेट इंजन का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इसे इस तरह से ट्यून किया गया था कि ये 370 हॉर्स पावर की शक्ति उत्पन्न करती थी। उस दौर किसी कार में इतने पावर का होना बड़े अचरज की बात होती थी। अब इसके खास फाइटर जेट वाले डिजाइन को स्वयं देख सकते हैं। नॉर्मन टिम्बस स्पेशल। बेशक कोई भी कार ऐसी नहीं दिख सकती है। कार को नॉर्मन टिम्बस ने सन 1947 में डिजाइन किया था और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 3 सालों का वक्त लगा था। इस कार के पिछले हिस्से में बड़ा सा टेल बूट दिया गया था। इसके अलावा इंजन को कार के पिछले हिस्से में ही लगाया गया था। अपने खास वाटर ड्रॉप डिजाइन के चलते ये कार काफी मशहूर रही है। फेरारी पिनिनफेरिना 512 एस मोडिलो। मशहूर इटालियन स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी फेरारी ने सन 1970 में डिजाइनिंग फर्म पिनिनफेरिना के साथ मिलकर इस कार को पेश किया था। इस कार को उस समय जेनेवा मोटर शो के लिए तैयार किया गया था। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजाइनर ने फेरारी 512 एस पर अजीब तरह की बॉडी को डिजाइन किया था। ये कार उस समय काफी सुर्खियों में रही थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल ऑनर ऑफ थॉट सिंधी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।